गुड इवनिंग व्यूअर्स, आज हमारे इवनिंग के स्नैक्स में है चाय। मैंने ये गाय के दूध से बनाया है गरम गरम चाय, इसमें अदरक भी दिया है मैंने। और साथ ही चाय के साथ आज हम खाएंगे स्नैक्स में ये काजू फ्राई, मसाला काजू फ्राई। तो मैं इसमें इसे घर पे ही बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले लिया है, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ बटर। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल दूँगी सफिशेंट अमाउंट ऑफ बटर। अब इसमें डाल दूंगी काजू। तो काजू को हम फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से आप एलमंड्स भी फ्राई कर सकते हैं, मसाला एलमंड्स। तो हमें काजू को ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हमें इसे हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। और जैसे ये हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएगा तो हमें इसमें सॉल्ट ऐड कर देना है। चाय के साथ काजू एक परफेक्ट स्नैक्स है। तो मैंने यहाँ पे 3 जन के लिए ले लिया है काजू। अच्छे से बटर में रोस्ट कर लेंगे। तो आपको चम्मच कंटिन्यू चलाना होगा क्योंकि काजू कुछ सारे साइड से फ्राई होना है। हल्का हल्का काजू गोल्डन फ्राई गोल्डन ब्राउन हो रहा है। तो अब मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दूंगी। आप चाहे तो दोनों वाइट सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे मैं और 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगी और गैस ऑफ कर दूंगी। उसके बाद मैं बाकी मसाले ऐड करूंगी। तो अब मैं गैस ऑफ कर देती हूं। तो मैं इसमें अब गोल मिर्च ब्लैक पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार। मैं इसमें ज़रा सा रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहे तो चाट मसाला या आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे इस पास कंटेनर में पिज्ज़ा का टॉपिंग वाला जो पाउडर है वो मेरे पास है, वो स्वाद में थोड़ा चटपटा होता है तो इसलिए मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें रेड चिली फ्लेक्स है और काफ़ी सारे चटपटा मसाले भी है इसमें। चलिए मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो इसी को मैं ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने कंटेनर में नहीं उतारा, कढ़ाई भी अच्छे से मिक्स होती है। तो अच्छे से मिक्स कर लिया, देखिए कितना अच्छा लग दिख रहा है ये। चलिए मैं चेक करके बताती हूँ खाने में कैसा बना है। वाकई में बहुत ही अच्छा बना है। और थोड़ी देर के लिए इसके ठंडा कर देंगे तो क्रिस्पी बन जाएगी और भी। तो इस साइड पे चाय भी हमारी तैयार है, ये काजू भी तैयार है, क्रिस्पी काजू मसाला। चाय में भी ज़रा गुड़ ऐड कर रही हूँ। तो हमारा परफेक्ट चाय के साथ काजू फ्राई तैयार है। अब हम इसे एंजॉय करेंगे। तो काजू को फ्राई करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए रख ले फैन के नीचे ठंडा होने के लिए, तो ये क्रिस्पी हो जाएगी।